हमारा टॉपिक इज चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्राइंगल के बारे में, हम एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और थ्योरम्स वो सब कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी तक हमने दो कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे, कौन कौन से, एस ए एस और ए एस ए, या फिर ए ए एस बोलें, एक ही बात था। अब हमारे पास आता है थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल, वो क्या है हमारे पास, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब नाम से पता चल रहा है एस मीन्स साइड, साइड थर्ड भी ऐसे मतलब साइड, तो तीनों साइड्स पे बात करनी है। अब किसी भी एंगल पे या फिर साइड पे ऐसे बात नहीं करनी, हमें क्या करनी है, तीनों साइड्स पे बात करनी है। रूल देखते हैं क्या है, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब ट्राइंगल की कोई भी तीन साइड होनी चाहिए, ठीक है। मैं कोई भी ट्राइंगल ले लेती हूँ, सपोज दिस इज माई ट्राइंगल, टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, के कोई और ट्राइंगल होना चाहिए, मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया कुछ इस तरह से, देन दी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सपोज मैं ऐसे ले रही हूँ, दिस इज माई ए बी सी, और यहाँ से ये मेरा हो गया पी क्यू आर। दो ट्राइंगल लिए, मुझे दे रखा है यहाँ पे ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 है और ये 4 है, तो मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ 3.5, 4 और 4.5। तो आप ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी साइड जो है वो पी आर के इक्वल है, तो हमारा क्या बनेगा, ट्राइंगल ए बी सी, और इधर से क्या बना, ट्राइंगल पी आर, और ए बी सी लिया तो पी आर क्यू लेंगे यहाँ पे क्यू। देखो ये ए बी इक्वल है पी आर के, बी सी इक्वल है पी क्यू के, ए सी इक्वल है क्यू आर के, तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंस साइन। तो मतलब अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल में, तो भी हमारे पास क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। दोबारा से पढ़ते हैं, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स की तीन तीन साइड इक्वल होनी चाहिए, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। उसके बाद हमारे पास एक रूल और आता है, दैट इज द फोर्थ कॉन्ग्रुएंस रूल, आप उसको बोल सकते हैं, दैट इज आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आर एच एस का क्या मतलब है, ध्यान से देखना है, आर का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, एच का मतलब, अब ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एच का मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब जो अभी तक करते आ रहे हैं, दैट इज साइड। तो हमारे पास क्या हो गया, आर एच एस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो नाम से पता चल रहा होगा, एक ट्राइंगल मतलब दोनों ट्राइंगल में एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। सपोज मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल लिया मैंने यहाँ से ए बी सी, इसको नेम दे दिया ए बी सी, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, और यहाँ पे मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे ही इस ट्राइंगल में बोला है ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल होना चाहिए, दिस इज माई पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा तो इक्वल होना चाहिए, और साइड दे रखी है मुझे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि जो आर एच एस का क्राइटेरिया है वो क्या बोलता है हमारे पास, इफ इन टू ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल। अब ऑलरेडी हमें क्या बोला है, टू राइट ट्राइंगल्स, तो राइट ट्राइंगल का मतलब एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल तो होना ही चाहिए। सेकेंड टर्म क्या हुई, द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। थर्ड क्या हुआ, वन साइड, वन साइड का मतलब कोई भी साइड का मतलब, इसमें अगर हमें बेस बी सी दे रखा है तो दूसरे ट्राइंगल में पी क्यू भी हो सकता है, बस कोई भी एक साइड हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब हमारे पास टोटल कितने क्राइटेरिया हो गए, 4 क्राइटेरिया हो गए हमारे पास, एस ए एस, सेकेंड इज ए एस ए, थर्ड इज एस एस एस, एंड द फोर्थ इज आर एच एस। तो ये चारों क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 7 इज, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 इज, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो ए बी कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है हमें, तो देखते हैं कैसे दे रखा है, दिस इज ए बी, यहाँ से यहाँ तक ए बी इज अ लाइन सेगमेंट।
पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए बी. तो अगर एक साइड पॉइंट ऊपर की तरफ है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा. ये हमने ले लिए दो पॉइंट्स पी एंड क्यू, ऑपोजिट साइड हो गए. उसके बाद बोला है सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी. तो ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, मतलब पी से ए की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस होगी पी से बी की. तो पी से बी को ज्वाइन किया तो ये इक्वल होगा इसके, ऐसे ही क्यू बी जो है वो इक्वल होगा क्यू ए के. तो इन दोनों पे डबल कट लगा दिया, डबल कट मतलब ये दोनों इक्वल है, सिंगल कट मतलब ये दोनों इक्वल है. उसके बाद बोला है शो दैट द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. तो मतलब पी से क्यू को ज्वाइन करना है, तो हमारे पास ये पॉइंट आया सी. तो हमें क्या बताना है, दैट पी क्यू लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा हमारे पास, ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी. साथ में बाइसेक्टर का मतलब हो गया ए से सी तक और सी से बी तक इक्वल होना चाहिए, और ये वाले जो एंगल है ये 90 डिग्री होने चाहिए. तो यही मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का. तो पहले लिखते हैं गिवन, टू प्रूव, टू शो, और फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गिवन से. गिवन हमें क्या है वो सब आपको लिखना है. हमें क्या दे रखा है, पी ए इक्वल है पी बी के, एंड इधर से क्या गिवन है, ए क्यू इक्वल है बी क्यू के. ये दोनों चीज़ें गिवन है. साथ में हमें क्या दे रखा है, बस यही गिवन था, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा. अब आ जाता है हमारे पास टू शो. टू शो में हमें क्या दिखाना है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. बाइसेक्टर ऑफ ए बी इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज जो पी क्यू है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, मुझे दिखाना है ए सी इक्वल्स टू बी सी. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी सी. हमें ये शो करना है सबसे पहले, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में मुझे क्या करना है कि जो सी पे हमारा एंगल बन रहा है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, कोई भी एक एंगल लेंगे तो फिर बाकी तो अपने आप आ जाएंगे. हम किससे कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंस रूल से कर लेंगे. तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल एट सी, एंगल एट सी आर 90 डिग्री. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. ये कैसे प्रूव करना है हमें, ये हमने लिख दिया, या फिर मैं इसको क्या लिख दी, मोर स्पेसिफिकली हम कोई भी एक एंगल प्रूव कर देते हैं, ये वाला एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो इससे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा. अब हम लेते हैं ट्राइंगल्स. अब कौन सी ट्राइंगल चूज करनी है ये आपको ध्यान देना है. अब हमें क्या गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, 90 प्रूव करना है हमें, साइड्स इक्वल गिवन है. तो ये वाले ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में साइड्स गिवन है. अब आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट साइड इक्वल, सेकेंड कॉमन, कॉमन हो गया मेरे पास. अब मुझे थर्ड या तो कोई एंगल चाहिए या फिर कोई साइड चाहिए. अब अगर आप ऑब्जर्व करो ए पी बी में, अगर मेरे पास दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एस ए एस. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा. पर दोबारा से देखो, दिस इज एस, दिस इज ए. तो एस कौन सा होना चाहिए, नीचे वाली साइड होनी चाहिए, बट हमारी साइड क्या है, ऑपोजिट वाली साइड. तो अब देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगेगा. पहले ट्राइंगल के लिए लिखना शुरू करते हैं. तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ प्रूफ. अब हमने ऊपर ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए, तो मेरे पास दो साइड और एंगल तो आया, बट एस ए एस के अकॉर्डिंग नहीं आया. तो इट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल से बात नहीं बनेगी. तो हमें क्या करना है, हमें कोई और ट्राइंगल लेना है. कोई और ट्राइंगल कैसे चूज करेंगे कि जो हमें गिवन है, हमें एक ये वाली साइड इसके गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये वाली साइड इसके इक्वल है, उसके साथ ही ये दोनों में कॉमन बन रही है. तो मतलब मैं ये ग्रेटर वन ट्राइंगल और ये वाला ग्रेटर ट्राइंगल अगर लूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो इसलिए हम कौन से ट्राइंगल से प्रोसीड करेंगे, हम प्रोसीड कर रहे हैं ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू से. ठीक है, देखो इन दोनों ट्राइंगल में पी ए इक्वल है पी बी के, साथ में ए क्यू इक्वल दे रखा है बी क्यू के, और
और क्या इक्वल आया, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, ये तो दोनों आ गए गिवन में, गिवन ने हमें, और ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब देखो तीनों साइड्स इक्वल आ गई, देयरफोर ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। रीज़न क्या आया, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल आए हैं तो सी पी सी टी से इनके सारे पार्ट इक्वल होंगे। सारे पार्ट इक्वल होंगे मतलब सारे एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि साइड्स पे तो हम बात कर ही चुके हैं, अब हमारे पास क्या बचा, एंगल्स बचे। तो यहाँ से देखो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, थर्ड वाला कौन सा इक्वल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये तीनों एंगल आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हमें कौन से एंगल की ज़रूरत है, अब हम किस पे बात कर सकते हैं, अब हम इन दोनों ट्राइंगल पे बात कर सकते हैं, या नीचे वाले दोनों ट्राइंगल ले लो। क्यों ले रहे हैं एडजेसेंट वाले ट्राइंगल, क्योंकि हमने पहले ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास साइड तो थी बट एंगल नहीं था, तो अब एंगल आ गया, तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इट मीन्स इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो प्रोसीड हो गया, तो अब क्या करेंगे, देयरफोर सी पी सी टी से हमारे पास क्या आया, एंगल ए पी, इधर से ए पी सी, इधर से एंगल बी पी सी इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब सी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सी लिखें या फिर क्यू लिखें एक ही बात है, क्योंकि सी और क्यू से एंगल तो वही फॉर्म हो रहा है, बी पी क्यू दोनों इक्वल आ गए। हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यू की ज़रूरत होगी तो क्यू लिख लेंगे, सी की ज़रूरत होगी तो सी लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इन ट्राइंगल, अब हमें स्मॉलर वाला ट्राइंगल चूज करना है, जो मैंने ये डॉट बना रखी है, यानी कि ट्राइंगल ए पी सी और ट्राइंगल बी पी सी। इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी, ये दोनों ट्राइंगल चूज करने हैं। अब ए पी सी में क्या इक्वल है मेरे पास, ए पी इक्वल दे रखा है बी पी के, कहाँ से, ये मेरे पास गिवन है। अब ए पी इक्वल्स टू बी पी तो गिवन था, साथ में अभी ऊपर हमने एंगल प्रूव किया ए पी सी इक्वल्स टू एंगल बी पी सी, इसको नेम दे दो इक्वेशन टू, बाय टू लिख दिया हमने। साथ में हमें क्या पता है, हमारी जो थर्ड साइड है वो कॉमन है, दैट इज पी सी इक्वल्स टू पी सी, तो यहाँ से लिखा पी सी इक्वल्स टू पी सी, दैट इज कॉमन, कॉमन हुआ तो हमारे पास क्या बना, देयरफोर ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी सी। रीजन क्या आ गया, बाय एस ए एस रूल। ठीक है, अब एस ए एस रूल से इक्वल है तो सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, अब हमें कौन से पार्ट की ज़रूरत है, एक रफली छोटी सी फिगर इधर भी बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे हम कौन से एंगल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज सी ए बी पी एन क्यू, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, देयरफोर एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल बी सी पी। रीज़न आ गया बाय सी पी सी। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। ऑल्सो एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीज़न बीइंग लीनियर पेयर। ये चीज़ें भूलनी नहीं है कि लाइंस एंड एंगल में कर लिया तो ट्राइंगल में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 180 डिग्री बाय थ्री, हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और टू एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय टू, कैंसिल आउट किया तो 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल बी सी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों एंगल हमारे पास क्या आ गए, 90 डिग्री हो गए, तो यहाँ से हम क्लियरली क्या कह सकते हैं कि ये हमारे परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको भी नेम दे देते हैं। पहले हम पहुँचते हैं, देखो ये फर्स्ट पार्ट था ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो ये भी सी पी सी टी से आ जाएगा। ऑल्सो
यहाँ पे लिखूं, देयरफोर AC इक्वल्स टू BC बाय CPCT आ गया। इसको भी नेम दे दो, कुछ थ्री नेम दिया मैंने तो मैं इसको फोर दे रही, इसको दे दिया मैंने फाइव। तो हम लिख सकते हैं बाय फोर एंड फाइव, हमें जो प्रूव करना था वो आ गया। हमें क्या प्रूव करना था, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यही प्रूव करना था। तो लास्ट में लिखेंगे आंसर प्रूव, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आपको ये ध्यान रखना है कौन से ट्राइंगल से प्रोसीड करना है और कैसे प्रोसीड करना है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 8। देखें पहले फिगर में क्या दे रखा है, पी इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब उसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम टू लाइन्स एल एन एम इंटरसेक्टिंग एट ए। तो हमारे पास क्या है, दो लाइनें हैं एल और एम जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट लाइन हो गई, इसको नेम दे दिया एम एम, और ये सेकेंड लाइन हो गई, इसको नेम दे दिया एल, ठीक है। उसके साथ ही क्या बोला है, पी इज अ पॉइंट, तो पी कोई पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ये ए ले लिया, यहाँ पे ये कोई पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। साथ में फिगर में क्या दे रखा है, ए से पी की लाइन भी ज्वाइन कर रखी है, ठीक। उसके साथ क्या बोला है, शो दैट द लाइन ए पी, ए पी लाइन हो गई हमारे पास, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम का मतलब ये वाला एंगल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में होने चाहिए। साथ में क्या कर रखा है, यहाँ पे एक पी पॉइंट से बी पॉइंट तक परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक इधर सी पॉइंट तक परपेंडिकुलर दे रखा, ठीक है। ये हमें फिगर में ऑलरेडी गिवन है, क्लियर यहाँ तक। साथ में हमें जो भी प्रूव करना था वो दिख गया, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो हमें कौन से ट्राइंगल पे डील करना है, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। अब देखते हैं जो जो गिवन है वो लिखते हैं। पहले गिवन में हमारे पास क्या है, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, सबसे पहले तो पी बी परपेंडिकुलर टू एल कॉमा, इधर से पी सी परपेंडिकुलर टू एम ऑल्सो, साथ में क्या गिवन था, पी बी इक्वल्स टू पी सी, ये भी गिवन है। उसके बाद हमें क्या शो करना है, और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल पी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ से आया इन दोनों की वजह से क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये मेरे हो गए गिवन, दोनों चीज़ें गिवन में आ गई। फिर आ जाता है टू शो, टू शो में मेरे को क्या शो करना है, हमें शो करना है ये ग्रीन वाले एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए सी, ये ध्यान रखना है, हमें ये प्रूव करना है। अब हम ऑब्वियसली ये दोनों प्रूव करने हैं तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स पे बात करेंगे। तो प्रूव स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इन ट्राइंगल, यही नेमिंग ले लो, पी ए बी एंड ट्राइंगल पी ए सी, मैंने यही दोनों ट्राइंगल ले लिया। तो इनमें क्या गिवन है, पी बी इक्वल्स टू पी सी, ये भी गिवन आ गया। साथ में पी बी और पी सी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल पी सी ए क्यों इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी क्या आ गया, गिवन में आ गया। दो चीज़ें आ गई मेरे पास, थर्ड मेरे को लेनी है। थर्ड क्या आएगा, पी ए इक्वल्स टू पी ए, ये क्यों हो गया, कॉमन, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो अब मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास आया साइड, फिर साइड, बट इनके बीच का एंगल नहीं आया, ये एंगल आया और ये कितना 90 डिग्री है, तो 90 का ऑपोजिट में है तो ये क्या बना, हाइपोटेनस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पी ए क्या है हमारा, हाइपोटेनस, ये बन गया हमारा राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल चाहिए था, 90 डिग्री है, और ये बन गया हमारा साइड, मतलब कोई भी साइड इक्वल हो सकती है। तो ऐसे ही ले लिया हमने यहाँ पे। तो अब देखो, देयरफोर ट्राइंगल पी ए बी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीएसी, रीजन आ गया बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कौन सा ट्राइंगल चूज करते हो। देयरफोर जो प्रूव करना था वो लिख देंगे, पीएबी इक्वल्स टू एंगल पीएसी, रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय सीपी सीटी। यही प्रूव करना था, यही शो करना था, इसलिए हैंस शो। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका एक कन्वर्स भी है एग्जाम्पल का, जो कि हमें एक्सरसाइज में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। तो वो जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब प्रोसीड करेंगे। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, आपको ध्यान रखना है हमें कौन से ट्राइंगल से शुरू करना है और कहाँ पे पहुँचना है, क्या चीज़ शो करनी है।